हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी स्नैपचैट ऐप में फ़िल्टर जो है काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है? तो दोस्तों, अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर स्नैपचैट ऐप में फ़िल्टर काम नहीं कर रहा है तो उससे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्नैपचैट ऐप में फ़िल्टर को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो स्नैपचैट ऐप है वो लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है और स्नैपचैट पे सर्च करना है। और दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ओपन का ऑप्शन होगा तो दोस्तों लेटेस्ट वर्जन है। अगर यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन होगा तो आप सिंपली यहाँ से पहले तो अपडेट कर ले। इतना कुछ करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेटिंग में आ जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद में आपको चल जाना है ऐप मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ऐप मैनेजमेंट है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट ना दिखे तो दोस्तों ऊपर में जो ये जो सर्च का ऑप्शन, आप सिंपली यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट लिखेंगे तो दोस्तों आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है। दोस्तों, जैसे आप ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे ना तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर में ऐप लिस्ट है। तो दोस्तों, आपको सिंपल ऐप लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में जितना भी ऐप रहेगा वो पूरा आ जाएगा, यहाँ पे टोटल शो होने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे अब आपको सर्च कर लेना, सर्च पे क्लिक कर स्नैपचैट। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे स्नैपचैट ऐप आ गया। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे स्टोरेज का एक ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको सिंपल स्टोरेज वाला ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे कैच लिखा है नीचे में। उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे क्लियर कैच। दोस्तों, ये जो नीचे का ऑप्शन, आप सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों स्नैपचैट ऐप का डाटा जो क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको स्नैपचैट ऐप में चले जाना है। फ्रेंड्स, जैसे आप स्नैपचैट ऐप में जाएंगे तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, इमोजी का जो ऑप्शन, इमोजी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको सिंपल सेटिंग वाला ऑप्शन में चले जाना है। फ्रेंड्स, जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे आ जाना है। दोस्तों, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मेमोरीज़ का। तो दोस्तों, आपको सिंपल क्या करना है, ये जो मेमोरीज़ का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे सेव और नीचे में देखेंगे सेव बटन लिखा आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन है सेव बटन का, आपको सिंपल उसी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे आने के बाद में सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर में एक ऑप्शन है मेमोरीज एंड कैमरा रोल का। तो दोस्तों, अगर आप में ऊपर में मेमोरीज पे टिक होगा तो दोस्तों आपको सिंपल ये जो नीचे का ऑप्शन है बीच वाला, उस पर टिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है। दोस्तों, बाहर आने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और स्नैपचैट ऐप को हटा देना है, ऑल क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, फिर से स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे स्नैपचैट ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको सिंपल इमोजी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखें कितना सारा फिल्टर आ गया, हर एक चीज़ आ गया, यहाँ पर हर एक चीज़ काम करने लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के सेटिंग कर आप अपने स्नैपचैट में फिल्टर को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक दूसरे वीडियो में।